नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट टाइम हमने देखा था स्वर, और आज पढ़ेंगे हम व्यंजन को। स्वर की जहां तक हमने बात की थी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उनको हम स्वर कहते हैं, और स्वर को हमने देखा था। इसके बाद आज देखेंगे व्यंजन, और उसके बाद देखेंगे इसका मिसलिनियस जो पार्ट होगा। जैसे उसमें मिसलिनियस में हमारे पास एक आएगा प्लूत स्वर, किसे कहते हैं, ठीक है, प्लूत ध्वनियां आ जाएंगी, और इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम देखेंगे मिसलिनियस पार्ट में। आज हम देखते हैं व्यंजन वर्णों को, और व्यंजन वर्णों को सिर्फ हम कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से उसको याद करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं व्यंजन कहते किसे हैं। वे वर्ण जो किसकी सहायता से बोले जाएंगे, स्वरों की सहायता से उच्चारित होंगे, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उनको कहते हैं हम व्यंजन। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। और हिंदी वर्णमाला में 33 स्वर होते, 33 व्यंजन होते हैं। मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, पहला पार्ट हम इसका ये देखेंगे। जो दूसरा पार्ट हम इसका देखेंगे वो देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा भाग देखेंगे हम इसका संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। ठीक, तीन मुख्य भाग इसका देखेंगे, और लास्ट में बच जाएगा ये होगा आपका संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से हम व्यंजन वर्णों को चार भागों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की। स्पर्शी का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब होता है जब हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। जब मैंने एक इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया था आपको, तो उसमें मैंने आपका पूरा स्ट्रक्चर बनाया था कि कहाँ पे हमारा मुंह का भाग है, कौन सा भाग कंठ का है, तो आप वहां से देख के समझ जाना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई ध्वनि उच्चारित करते हैं, तो ध्वनि उच्चारण करने में वो ध्वनि जो हमारे मुंह के अनेक भागों को छूती हो, स्पर्श करने का मतलब होता है छूना, यानी कि टच करना, टच करना या छूना, यानी कि वे ध्वनियां जो हमारे मुंह के अनेक भागों को छूती हो, ऐसे व्यंजनों को हम बोलेंगे स्पर्शी व्यंजन। और ये व्यंजन जो होंगे ये वर्ग में होते हैं। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये अपने समूह के साथ होते हैं, वर्ग में होते हैं, अपने ग्रुप में होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है बीच में, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो है श्वास बीच में रुकती है, मुंह और कंठ के बीच में रुकती है, ऐसे वर्णों को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और संघर्षी व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जो श्वास है वो मुंह के भाग से संघर्ष करती हुई प्रतीत होती है, या जब संघर्ष होगा, दो चीजों के बीच संघर्ष होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी। भाई जैसे हम नॉर्मल अपने हाथों को ऐसे रगड़ेंगे तो एक ऊष्मा जनरेट होती है, तो इसीलिए जो है इस संघर्ष के कारण क्या होती है, ऊष्मा जनरेट होती है, इसलिए हम इसको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। और चौथा टाइप आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए। भाई वैसे तो हर व्यंजन स्वर की सहायता से बनता है, लेकिन ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये दो व्यंजनों के मेल से बनेंगे। जब इसमें हम देखेंगे जो अक्षर त्रय ज्ञा है, तो ये जो है किससे बनेंगे, व्यंजनों के ही मेल से बनेंगे। तो जब दो व्यंजनों के मेल से बनेंगे, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो दो व्यंजनों के जोड़ से जो व्यंजन बनेंगे उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, हम करते हैं डिटेल में, वन बाय वन इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्शी /
वर्गीय व्यंजन। परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे व्यंजन जहां पर जिनके उच्चारण में श्वास द्वारा मुंह के अनेक भागों को स्पर्श किया जाता है, ऐसे व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और ये व्यंजन अपने वर्ग समूह में विभाजित होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब इसका देखते हैं हम उदाहरण, जैसे क, तो ये पूरा वर्ग है क का, क ख ग घ और ग, तो ये क्या है, स्पर्शी व्यंजन। इसमें जो है हम स्पर्श, जब हम ध्वनि निकलेगी तो क की जो ध्वनि निकलेगी वो मुंह के अनेक भागों को स्पर्श करेगी, और ये जो है पूरा क का वर्ग है, इसलिए ये स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। च वर्ग आ जाएगा, च छ ज झ और य, फिर आएगा ट वर्ग, ट ठ ड ढ और अण, फिर आ जाएगा आपका त वर्ग, त थ द ध और न, फिर आ जाएगा आपका प वर्ग, प फ ब भ और म। ये जो व्यंजन है आपके, ये टोटल जो है पांच वर्गों में है, और इनकी जो टोटल संख्या होती है ये होते हैं टोटल 25। इनकी टोटल संख्या होती है आपकी 25 की संख्या होती है, और ये कहलाते हैं हमारा स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। लेकिन इससे प्रश्न इस तरीके का नहीं बनता है, हालांकि बनने के लिए कई बार बन जाता है कि निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्शी व्यंजन है या कौन सा वर्गीय व्यंजन है। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न आजकल इस पे बनते हैं, इनके उच्चारण से संबंधित पूछता है कि जैसे निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण है, निम्न में कौन सा तालु का है, निम्न में कौन मूर्धा से है, तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि इनका उच्चारण कहां से होता है। सबसे पहले क वर्ग की बात करेंगे, तो क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। कंठ का मतलब होता है गले, तो इनको बोलते हैं हम कंठ स्वर। ठीक, क वर्ग का जो उच्चारण होता है वो होता है कंठ से। फिर जो च वर्ग का उच्चारण होता है ये होता है तालु से। ठीक है, फिर ट वर्ग का उच्चारण होता है ये होता है मूर्धा से, तो इनको कहते हैं मूर्धन्य। ठीक है, फिर त वर्ग का उच्चारण होता है दंत से, इनको कहते हैं दंतव्य। फिर प वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठ से, तो इनको कहते हैं हम ओष्ठव्य। देखो, क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से, गले से। जैसे हम निकालेंगे क बोलेंगे तो क की जो ध्वनि है वो हमारे कंठ से निकलेगी। तालु कहां होता है, कंठ और जो जिह्वा का मध्य भाग होता है वो तालु कहलाता है। मूर्धा का मतलब क्या होता है कि जब जीभ हमारे उल्टी की तरह मुड़ जाती है इस तरीके से, वो मूर्धा कहलाता है। और दंत की बात करेंगे तो जब जो है सांस नली हमारे दांत जैसे त थ द, तो दंत को टच करती है ओष्ठ को, ओष्ठ में ओष्ठ को टच करती है। लेकिन अब इसके लिए क्या चाहिए, अगर इसको समझना है तो इसके लिए हमें चाहिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, तो इतनी प्रैक्टिस करने का हमें टाइम लगता नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक जिसको कहते हैं हम के टी एम दो। ठीक है, के टी एम दो या कतम दो। ठीक है, तो इसके लिए दोनों में से जो भी ट्रिक आपको सही लगती है आप उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। के टी एम दो का मतलब होता है, देखो के से, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, के से हो जाएगा आपका कंठ, टी से हो जाएगा आपका तालु, एम से हो जाएगा आपका मूर्धा, डी से हो जाएगा आपका दंत और ओ से हो जाएगा आपका ओष्ठ। ठीक, तो इस ट्रिक की हेल्प से हम इसको याद करेंगे।
तो स्पर्शी व्यंजन के लिए हमारे पास एक ट्रिक सीधे सीधे हो जाएगी, केटीएम दो। ठीक, तो इस ट्रिक की वजह से अब आपको जो है बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन सी ध्वनि कौ से निकल रही, कौन सी ध्वनि कंठ से निकल रही है, कहाँ पे तालु टच हो रहा है। जो भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको समझने के लिए चाहिए होती है आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं लगेगा। तो इसको समझने का जो तरीका है, ये देखिए, हिंदी में तो वर्ग हमें पता है कि कौ के बाद चौ वर्ग आएगा, चौ के बाद टौ वर्ग आएगा, टौ के बाद तौ वर्ग आएगा, तौ के बाद पौ वर्ग आएगा। तो इसके लिए आपकी जो ट्रिक होगी क्या होगी, के टी एम, के टी एम दो। ठीक, तो पहला वर्ग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक, तो इनको कंठव्य बोलते हैं, इनको तालव्य बोलते हैं, इनको मूर्धन्य बोलते हैं, इनको दंतव्य बोलते हैं और इनको ओष्ठव्य बोलते हैं। तो ये था हमारा स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। उसके बाद हम आते हैं किस पे, अंतस्थ व्यंजन पे। इसके बाद देखते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण मध्य में होता हो, मध्य में होता हो, या हम ऐसे कह सकते हैं स्वर और व्यंजन के मध्य में होता हो, स्वर और व्यंजन के मध्य में होता हो, ऐसे व्यंजनों को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ये होते हैं हमारे कौन से, य, र, ल और वो। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, इसको याद करने का जो तरीका है, अब आपको वर्णमाला तो आती है, ठीक है, तो य, र, ल, व, ये लगभग हमारे कहाँ आता है, लास्ट में, य, र, ल, व, उसके बाद सौ 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 हो आ जाएगा, अक्ष तरह ज्ञ आ जाएगा। तो जो वर्ग की वर्ग के वर्गीय व्यंजन हमने देखा, वर्ग के व्यंजन के बाद लास्ट में ये आता है, तो इसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि अंत में आ रहा है। मतलब ये तरीका नहीं है इसको कि अंत में आ रहा है तो इसलिए अंतस्थ व्यंजन बोल रहे हैं। अंतस्थ का मतलब तो हमने यहाँ देख लिया कि ये जो है अंत के मध्य में आता है, तो अंतस्थ उच्चारण में आता है। ठीक, लेकिन ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, अंत में है इसलिए हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन कह दे रहे हैं। उसके बाद आता है स्पर्शी, सॉरी, इसके बाद आता है संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन, या तो संघर्ष कह लीजिए या ऊष्मीय व्यंजन कह लीजिए। भाई जिनके उच्चारण में संघर्ष हो रहा होगा तो वहां से क्या होगी, ऊष्मा भी निकलेगी, तो इसलिए उनको संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। और इसके लिए जो उदाहरण है हमारे पास, सौ, सौ, सौ और हो। अब इसको समझने का, याद करने का जो तरीका है, देखो, सौ एक, सौ दो, सौ तीन, जब तीनों एक जैसे लोग हो जाएंगे, यानी कि तीन एक जैसे लोग हो गए, तो उनके बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। भाई जब तीन लोग एक जैसे हो जाएंगे, जहां पर अगर एक पद के लिए तीन लोग एक जैसे लोगों की चयन करेंगे, तो इनके बीच आपस में संघर्ष होगा, क्योंकि ये भी सौ है, ये भी सौ है, ये भी सौ है। ठीक, तो इनके बीच आपस में क्या हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा, और जहां संघर्ष होगा वहां ऊष्मा निकलेगी। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये आपके चार ये हो गए और ये आपके चार ये हो गए। ठीक, फिर होते हैं लास्ट में आपके संयुक्त व्यंजन। लास्ट में होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो व्यंजन वर्ण क्या होता है, जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसको कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। देखिए कैसे, अक्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और एक स्र भी आता है आपका। जो अक्ष बनता है ये बनता है क और स को मिलकर के। ठीक, तो ये क्या है आपका, व्यंजन, और ये भी क्या है आपका, व्यंजन। तो दो व्यंजनों के मेल से बन रहा है इसलिए क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। दूसरा हो गया त और र, त्र। तीसरा हो गया ज प्लस य,
फिर हो गया स और र, स्र। ठीक, तो इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो आपका उत्तर इनमें से हो जाएगा एक, दो, तीन या चार। तो चार इनकी संख्या है और इनमें से जो है कोई सा भी आप ऑप्शन में होगा तो आपका उत्तर हो जाएगा। इससे एक दूसरा प्रश्न बनता है आपका, क्या प्रश्न बनता है, डिक्शनरी, डिक्शनरी को बोलते हैं, डिक्शनरी का देख लेना हिंदी में, डिक्शनरी के हिसाब से भी कई बार क्या आता है, शब्दों का जो वर्णों का अरेंजमेंट आता है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर वर्णों का अरेंजमेंट आता है तो जो ये अक्ष है ये क के बाद आता है। यानी कि एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में क के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो उसमें ख दिया हुआ था, तो 90% लोगों ने ख किया था, यानी कि उसमें आया था कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो क के बाद क्या दिया था, अक्ष भी दिया था और ख भी दिया था, क्योंकि डिक्शनरी में देखेंगे आप तो ये क है और क के बाद क्या आ रहा है, क के बाद क और इसके मेल से क्या बन रहा है आपका, अक्ष बन रहा है, तो क्या आ जाएगा, क के बाद डिक्शनरी में ये आ जाएगा, त के बाद त्र आ जाएगा, ज के बाद ज्ञान आ जाएगा, स के बाद स्र आ जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न भी इससे बनता है। तो ये था दोस्तों हमारा व्यंजन वर्ण वाला पार्ट। इसके आगे हम और इसका जो मिसलिनियस पार्ट देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहें चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।